हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज मेरी सुबह की चाय वगैरह हो चुकी है, बच्चों ने दूध पी लिया है। अब ये यहाँ पे मक्खन निकाला जा रहा है, जैसा कि आप देखेंगे, ये देखिए ये आधा निकल चुका है। ये मलाई रखी है और ये निकाला जा रहा है मक्खन निकाल के, फिर इसका घी बनेगा। ये देखिए, और आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो बताती हूँ आपको। आज नाश्ते में ब्रेकफास्ट में ये मूंग की दाल है, देखिए भिगो दी थी 1 घंटे पहले। तो इसकी मंगौड़ी बनेगी और इसके जो क्या बोलते हैं उसको, चिल्ला, ये कट करके लहसुन है और ये मिर्च, इसकी चटनी बनेगी। ये प्याज कट करके रखी हुई है, ये टमाटर है, इसकी चटनी बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दाल पीसी जा रही है, जार के अंदर डाल दिया है। इसकी ये देखिए ये दाल पिस चुकी है। बेसन बता देंगे, बेसन मिला लेना ज्योति, बेसन मिला दीजिए, बता देंगे। बेसन मिलाने से हम लोग बेसन मिलाते हैं तो सॉफ्ट मिला नहीं। बहुत ही टेस्टी इसकी मंगौड़ी लगती है, कई लोग तो इसकी सब्जी ही बनाते हैं। ये देखिए ये मक्खन मैंने निकाला है, ये अब मैं थोड़ा सा मक्खन अपने लड्डू गोपाल को भी खिलाऊंगी।
हाँ, इसमें धनिया की पत्ती भी ऐड कर देंगे कट करके। देखिए इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर देंगे। इसमें गोभी के पत्ते भी डाल दिए हैं, पत्ता गोभी कट करके डाल दिए इसमें, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, ये सब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। डालें जो कम होगा तो फिर हाँ इसी को रख। ठीक है हमारा निकाल दो ना। क्या देखती? हाँ गाढ़ा गाढ़ा अलग करो। ये देखिए गाय की पूरी रखी हुई है। हम लोग पहला जो भी खाना बनता है गाय का निकाल देते हैं, फिर सभी लोग खाते हैं। इतना बस हो गया, गोड़ी खरीद ले। ये देखिए इस तरह से इसमें तेल लगा के इस तरह से इसको पतला पतला फैला देंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चटनी के साथ आप खा सकते हैं। ये मूंग की दाल की चिल्ली है। और ये कढ़ाही यहाँ रखी हुई है, इससे मंगौड़ियाँ बन जाएंगी। ये देखिए ये देख किस तरह से निकला। ये देख कितने तरीके से पलटा दिया गया, देखने में कितना अच्छा सिक गया। हल्का सा इसमें तेल लगा देंगे।
ये देखिए ये चटनी है, इसमें टमाटर है, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा अदरक, लहसुन। ये देखिए ये चटनी कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि नाश्ते की प्लेट तैयार हो चुकी है। अब आप लोग बताइए आपको ये मेरा ब्रेकफास्ट कैसा लगा, अब बच्चे खाएंगे। इससे भी ये पीला आता है। अच्छा 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 वो और मस्त रहता है बड़ा इससे। जी हाँ हाँ ये जैसा कि आप देख सकते हैं उसका जो है ये गार्डनिंग करने आए हैं क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है तो महीने में दो बार माली आता है इनको देखरेख करने के लिए। तो इस समय कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो धूप में नहीं रख सकते हैं, सुंदर इनको ज़्यादा आइडिया रहता है भाई सब ये देखरेख करेंगे, जो कटिंग लायक होंगे उनको कटिंग कर देंगे और बाकी जो धूप में नहीं रख सकते अपन उनको अंदर रख देंगे। और जो क्योंकि इस समय पानी ज़्यादा पौधों में लगता है और धूप में कम रख सकते हैं पौधों को तो इस हिसाब से इनको आइडिया रहता है तो वही सब ये करने आए हैं। तो आप मेरी गार्डन देखिए इतना मुलायम इसका पेड़ कि जरा सा भी धक्का लग जाए तो मान लीजिए दिखा लेते हैं। गाइस मैं आज पारा जा रही हूँ थोड़ा सा, फिर आपसे आके मिलती हूँ।
चीज़ ही टूट जाए। फ्रेंड्स बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और